बे हो गए, मेरे तो दाना यहाँ निकला बीच में ये ना सिर्फ ये कि पकौड़ों का तेल खवातीन का ज्यादातर आजकल घर घर का टाइम घर के कामों में घर की सफाई और पसीना इतना बॉडी से निकल रहा है। आप क्या क्या उसकी निखार के लिए, चेहरे पे निखार के लिए क्या क्या शामिल है? वो तमाम चीजें जो हमारे किचन में है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चावल का आटा, ठीक है, और जो कि हर खवातीन चैलेंज है 50 रुपए ही देख लें, 50 रुपए से कम। ये तो हमें आपने चैलेंज किया लेकिन 50 रुपए से कम, क्योंकि बेसन सब घरों में मौजूद है, चावल का आटा आजकल हर घर में मौजूद है, अंडा जैसे आपने कहा हर घर में मौजूद है, और दही हमें थोड़ा सा चाहिए होगा जो कि हर घर में मौजूद है, और बेकिंग पाउडर तो कसरत से मौजूद है क्योंकि हर पकवान में दही भी है, चावल का आटा भी है, बेकिंग पाउडर भी है, बेसन भी है, ये चारों चीजें, बस ये चारों चीजें हैं और ये मिलानी है, और आपके पास ग्लिसरीन भी हर वक्त मौजूद होती है, आप डाल लें। बस ये कमाल की रेमेडी है। इसमें कुछ चीजें मेरे पास है और कुछ चीजें मुझे इसमें ऐड करने के लिए फ्रिज में से लेनी होंगी। इसमें मैं सबसे पहले वो चीजें जो मेरे पास हैं वो मैं ले लूं और फिर बाकी चीजें हम लेने के लिए चलेंगे, ठीक है। हमने इसमें से लिया है जनाब बेसन, ये बेसन है, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी बेसन, हाँ, क्योंकि बेसन स्किन को वाइट भी करता है, टाइट भी करता है, स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सक करता है, भी होता है ना बेसन, जी जी है बिल्कुल होता है जी। और 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें चावल का आटा, ठीक है, बेसन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है चावल का आटा, ये बेकिंग पाउडर है हर घर में मौजूद है इस वक्त, बहुत ही कसरत से वैसे भी होता है, तो इसकी हम समझ लीजिए या तो 2 चुटकियाँ ले लेंगे या 1 इसकी नोक, टीस्पून की नोक हमने नोक के ऊपर हमने ये ले लिया। और अब मैं लेने जा रही हूँ दही और अंडा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसको क्या करना है, और ये एक ऐसा अमेजिंग सा मास्क बनने जा रहा है कि जो अगर चाहें तो खवातीन इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और चाहें तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब आप फ्रिज से क्या निकाल रही हैं? मैं लेकर आ रही हूँ दही, और इसमें से मैं कोई हेल्प चाहिए आपको? मैं आऊँ? कोई चीज़ पकड़ानी है आपने मुझे? नहीं, मैं ले लेती हूँ, और एक एग लूँगी मैं इसमें से, मैंने ये दही ले लिया है, लाएं दही मैं उठा के ले जाऊँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया, और एक मैं लूँगी इसमें से, ये 2 दही हो गई और अंडा। अच्छा, तो ये मास्क बनेगा, और ये कितनी देर तक लगाना है ये मास्क? ये सिर्फ 10 से 15 मिनट, और इस दौरान आप कोई आपको आराम करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ख़वातीन किचन में जा चुकी हैं 3-4 बजे तब इसको लगाकर काम भी कर सकती हैं, और अगर दोपहर को जोहर के बाद इस्तेमाल करेंगी तो 10 मिनट लेट जाएं तो अंडा पूरा मिलाएंगे? नहीं, सिर्फ हम इसका एग वाइट लें, एग वाइट, ठीक है, एग वाइट 1 अंडे का जी, दही कितने चम्मच? हम इसका सिर्फ एग वाइट लेंगे, दही हम लेंगे 1 टीस्पून, और यूँ समझ लें कि इतना कि जिससे कि एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। कि मैंने अंडा तोड़ लिया और इसकी जर्दी मैंने अलहदा कर दी, ठीक है, ये मेरे पास रह गई ये सफेदी, और अब हम इसको हसबे ज़रूरत मिलाएंगे, हाँ, जितना हमें ज़रूरत होगी। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ, क्योंकि हमें अब हम रिपीट करते हैं, इसके अंदर हमने बेसन डाला है, इसके अंदर चावल का आटा है, इसके अंदर दही है, इसके अंदर एग वाइट है, और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है, हाँ, और इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे, दही आपके सामने है, 1 टेबलस्पून डाल रही हैं, है ना, हाँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है, ये आपका मास्क बन गया है, मास्क है, और ऐसा अमेजिंग मास्क होगा, और ये आप हफ्ते में कितनी दफ़ा आएंगे चेहरे के प्रॉपर निखार के लिए? अगर चाहें तो आजकल आप इसको डेली भी लगा सकती हैं, हाँ, क्योंकि टाइम भी सबके पास है, दोपहर को जोहर के बाद लगा लें, सुबह में लगा लें। अच्छी बात है, जितना आप अपने ऊपर टाइम लगाएंगी, क्वारंटीन में आपको मतलब लाइक है काम, मैं नहीं करी बहुत काम, ऑब्वियसली काम बढ़ भी गए, लेकिन क्योंकि आप घर पे कहीं जाना नहीं तो तेल बालों में या चेहरे पे, ये क्या डाल रही है? ये जरा सी ग्लिसरीन डालूंगी, अच्छा। इससे मैंने कहा कि मैं रुक जाऊं, आप देख लें इसको, सिर्फ चंद कतरे, कतरे हमें, क्योंकि गर्मी है ना इतनी, जी सिर्फ चंद कतरे, इससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत इवन स्किन हो जाती है। अब मैंने नोट किया, जैसे दही मैंने बालों पे लगाई थी परसों,
तो मैंने शैम्पू किया, उसके बाद भी ना बदबू आ रही थी मुझे, किसी और को नहीं आई, जैसे मैंने बच्चों बच्चों को बोला सूंघो, लेकिन मुझे खुद से ना दही की अजीब सी एक आ रही थी। रोजमेरी ऑयल बहुत अच्छी स्मेल आती है, और थोड़ा सा विनेगर के बाद भी। अच्छा, और दही के अंदर अगर थोड़ा सा विनेगर भी शामिल कर ले तो उसकी स्मेल बिल्कुल खत्म खत्म हो जाएगी। तो बाल ड्राई तो नहीं होंगे विनेगर से? नहीं नहीं नहीं, बहुत सिल्की हो जाते हैं। हाँ, अच्छे हो जाते हैं जी। तो वो फर्क तो आया, क्योंकि ये कुछ भी आप बालों पे कुछ भी लगा लें, लेकिन ये दही शहद ये सब चीज़ें मतलब कुदरती चीज़ें ना, इनका निखार एक अलग ही आता है। एलोवेरा ये सब बालों को बहुत अच्छा निखार देते हैं। ये जनाब हमारा एक मास्क बन गया, और इसको हम दो दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यही? जी हाँ, यही मास्क अगर बच जाए। ये तो कुछ मतलब 25 रुपए में ही बन गया होगा, है ना? बहुत ही कम, बहुत कम, बहुत ही कम। तो चैलेंज पे अभी तक आप दोनों तो पूरी उतर रही हैं। अब देखते हैं कि फरा और बतूल जो है वो क्या सोच रही हैं। और शहजादी ये है कि मास्क जो लगाने का तरीका होता है, अरे वाह, शहजादी कह रही है आप है ही मेरी शहजादी, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं अपने नेक को, कभी नजरअंदाज, क्योंकि वो अलग ही लगता है नेक किसी और की, चेहरा किसी और। और अगर लेट नहीं जा रही है ना, तो फिर ऐसा करें कि जो बाकी है अपने हाथों पे लगा लें, वरना जब आप यूं करेंगे तो ये हाथ लगेंगे अलहदा सकीना के, और ये लगेंगे कतरीना के, है ना, वो वाली चीज़। बिल्कुल, ये इस शक्ल में मास्क आ जाएगा, इसको लगाएं और इसको इंजॉय करें, हल्का सा ड्राई होने दें, और इसके अमेजिंग रिजल्ट आप लोग खुद देखें। ठीक है, ठीक है।